मेक इन इंडिया अगर भारत सरकार द्वारा शुरू हुआ था तो सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी इसमें जमकर मेहनत कर रहा है। पहले भारत 21,850 करोड़ की कीमत के सोलर इंपोर्ट के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर इंपोर्टर था, लेकिन सरकार द्वारा बड़ी योजना के तहत इसमें काफी चेंजेस लाई जा रही है। कल हमने आपको दी बड़ी खबर कि भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जीज की मार्केट में चीन को टक्कर देते हुए पीएलआई योजना के तहत 14,007 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिसमें पॉलीसिलिकॉन इंगोट वेफर्स, सोलर सेल्स और मॉड्यूल के प्लांट सेटअप के लिए रिलायंस, इंडोसोल, वारी और जेएसडब्ल्यू सहित 11 कंपनीज को 39,600 मेगावाट की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के काम सौंपे हैं। और आज की बड़ी खबर से पता चल रहा है कि सरकार के कदम से कदम मिलाकर प्राइवेट कंपनीज भी जीत और मेहनत में लगी हैं। और सोलर की मेक इन इंडिया में जुड़ी एक कंपनी ने 100% भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कर सोलर प्रोड्यूस किया है। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि इंडियन कंपनी रेजन सोलर टू प्रोड्यूस सोलर पैनल्स इन यूएसए, यानी भारतीय कंपनी रेजन सोलर अब अमेरिका में सोलर पैनल्स प्लांट खड़ा करेगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको बता दें कि रेजन सोलर कंपनी गुजरात में 2017 में केवल 5 लोगों के साथ शुरू हुई थी और आज 5 साल बाद इसमें 1,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं और रेजन सोलर आज के टाइम में भारत की टॉप 10 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। आपको बता दें कि इस प्लांट से कंपनी 1500 मेगावाट जनरेट करती है और हार्दिक कोथिया और चिराग नागरानी इसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर इसे एक्सपैंड करते हुए 1000 मेगावाट कैपेसिटी में बढ़त कर रहे हैं, जिससे इसकी टोटल कैपेसिटी 2500 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। सोलर पैनल्स की ये बड़ी कंपनी ऑलरेडी अमेरिका सहित 17 कंट्रीज को सोलर एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन सोलर की बढ़ती मांग के साथ ये कंपनी अब 500 मेगावाट का प्लांट अमेरिका में भी स्टार्ट करने जा रही है। और इन दो बड़ी खबरों से इनकी कंपनी भारत के टॉप 5 सोलर मैन्युफैक्चरर्स में तो शामिल ही होगी, साथ में अमेरिका में पहली भारतीय सोलर मैन्युफैक्चरर भी बन जाएगी। आपको बता दें कि शुरुआत में इस कंपनी की केवल 44 मेगावाट की ही कैपेसिटी थी, जो कि 2017 में 150 मेगावाट कर दी गई, फिर 2022 में बढ़ाकर 300 मेगावाट हुई थी और आज के टाइम में इससे 1500 मेगावाट की कैपेसिटी निकाली जाती है। रेजन सोलर द्वारा हाई टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए सोलर्स क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और कस्टमर्स द्वारा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखकर कंपनी इस प्लांट को 2500 मेगावाट तक बढ़ाने का प्लान कर रही है, जिससे स्वदेशी प्रोडक्ट्स का मार्केट साइज बढ़ेगा और भारत में सोलर इंपोर्ट में काफी गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। इस कंपनी के फाउंडर हार्दिक का कहना है कि आखिर में कड़ी मेहनत और काम के प्रति समर्पण, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स ही काम आते हैं। और इसके दूसरे फाउंडर चिराग का भारत के यूथ को मैसेज है कि ऐसे सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए जिससे समाज को लाभ हो और लोगों का उत्थान हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास कस्टमर सर्विस के साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वर्ल्ड क्लास बनाओ, फिर आपकी जीत निश्चित है। देश में रिन्यूएबल एनर्जीज के सेक्टर में सोलर प्रोडक्शन को लेकर रेजन सोलर द्वारा उठाए बड़े कदम पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस खबर ने आपका दिन बना दिया हो तो साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में MII जरूर लिख दें और लाइक बटन दबा दें। जय हिंद, धन्यवाद।